जी कैसे हो आप सब लोग जैसे भी हो नीचे कमेंट करके बता देना तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के जो टॉपिक होने वाले हैं आप लोग आई थिंक समझ चुके होंगे तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2022 के लेटेस्ट मॉडल रॉयल एनफील्ड क्लासिक थ्री के कुछ एडवांटेज के बारे में कुछ इसके अच्छाइयों के बारे में कुछ खूबियों के बारे में जो कि इसके ओल्ड मॉडल में कमियां थी उन कमियों को रॉयल एनफील्ड ने इसके लेटेस्ट मॉडल में दूर करने की कोशिश की है तो आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इसके लेटेस्ट मॉडल क्लासिक थ्री में आपको क्या अच्छी चीजें मिलती है वजह आप लोग इस बाइक को पसंद कर सकते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, आज हम जिस वेरिएंट का बात करने वाले अदर वेरियंट है तो आते हैं क्लासिक थ्री के उसमें आपको क्या स्पेशल फीचर्स मिलते हैं जो कि इसके इस डार्क स्टील ब्लैक कलर को खास बनाते हैं इसके अदर मॉडल से तो दोस्तों अगर आप लोग भी दो में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को लेने वाले और आप लोग इसके अच्छा

ऑप्शन नहीं मिलता था लेकिन अब इसके डार्क स्टील ब्लैक कलर और इसके गन मेटल ग्रे कलर में आपको पहले से ही का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यानी कि पहले से ही लगा के मिलता है जो कि इसके डार्क स्टील ब्लैक कलर का एक एडवांटेज हम लोग मान सकते हैं क्योंकि अगर आप लोग हम कंपेयर करते हैं इसके इसके अदर से तो रेडिज ग्रे कलर से कर ले रेडिज मॉडल से कर या फिर हेलीकॉन से कर या फिर, फिर सिग्नल एडिशन से कर या फिर क्रोम एडिशन से कर ले हम किसी भी एडिशन से इसका कंपेयर कर ले तो जो डार्क एडिशन है जो गन मेटल ग्रे कलर है ना उसमें आपको पहले से ही अलाविल मिलती है जो

इंजन मिलता है ना वो भी आपको पूरी तरीके से ब्लैक देखने को मिलती है क्योंकि ना वो मिलेगी लेकिन फ्रंट मेड गार्ड को ले लें इसके बॉडी को ले लें फ्यूल टैंक को ले लें या एटलीस्ट इसके इंजन को भी लेते हैं ना तो इसके एग्जॉस्ट को इंजन को सभी बॉडी पार्ट को अगर आप लोग देखेंगे तो पूरी बाइक आपको ब्लैक कलर में मिलती है बीच में आपको फ्यूल टैंक के ऊपर आपको रेड कलर की स्ट्रिपिंग देखने को मिलती है जो

के लवर को काफी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आपको बता दें कि डार्क स्टील ब्लैक कलर और गन मेटल ग्रे कलर में आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है जो की अदर वेरिएंट में देखने को नहीं मिलती है अगर हम रेडिच की की बात या फिर की बात करें या फिर सिग्नल एडिशन की बात करें या फिर हम लोग क्रोम एडिशन की बात करें तो उसमें आपको पहले से ट्यूबलेस टायर देखने को नहीं मिलती है गौर करिएगा लेकिन जो डार्क स्टील ब्लैक कलर है जो गन मेटल ग्रे कलर है ना उसमें से पहले से ही आपको ट्यूबलेस टायर मिलती है एलाविल के साथ जो की इस बाइक का एक एडवांटेज है दोस्तों पहले जो मॉडल आती थी ना जो कि 2022 के पहले जो मॉडल आती थी गन मेटल ग्रे हो या फिर स्टील ब्लैक कलर हो उसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता था लेकिन अब इसके लेटेस्ट मॉडल में क्लासिक 350 के डार्क स्टील ब्लैक कलर और गन मेटल ग्रे कलर में आपको पहले से ही ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है जो की मेरे हिसाब से इस बाइक के एक, एक एडवांटेज है और अगर हम बात करते हैं इन बाइकों के प्राइस के बारे में तो दोस्तों मानते हैं कि जो डार्क स्टील ब्लैक कलर है जो गन मेटल ग्रे कलर है ना उसकी जो प्राइस है ना वो बीस ज्यादा रखी गई इसके अदर मेरिडियन तो अगर हम बात करते इसके एक्सोन प्राइस के बारे में तो गौर करिएगा जो डार्क स्टील ब्लैक कलर है और जो गन मेटल ग्रे कलर है इसकी जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है लेटेस्ट में वो निकल के आ रही है दो लाख सत्तर हजार पाँच सौ अट्ठासी रूपए रूम यू पी वाराणसी की प्राइस और अगर हम बात करते इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो लगभग आप मान के चले दो लाख चौवन हजार से दो लाख छप्पन हजार के बीच में आपको डार्क स्टील ब्लैक कलर और गन मेटल ग्रे कलर आपको कम्प्लीट देखने को मिल जाती है और अगर हम बात करते हैं इसके अगले एडवांटेज के बारे में अगले खूबी के बारे में जो की इसके रॉयल एनफील्ड क्लासिक थ्री

तो आप लोग इसके लेटेस्ट मॉडल को ले सकते हैं तो दोस्तों ये भी मेरे हिसाब से हुआ है बाईस में रॉयल एनफील्ड के तरफ से तब से इसकी जो पिलियन सीट है ना वो भी आपको काफी कंफर्टेबल देखने को मिल जाती है तो अब आपको जो पिलियन राइडर है ना वो भी काफी कंफर्टेबली राइड कर सकता है इस बाइक जो की इस बाइक के अगला एडवांटेज हम लोग मान सकते हैं और अगर हम बात करते हैं इसके अगले एडवांटेज के बारे में जो कि इसके

है तो आप लोग बिल्कुल जाके ले सकते हैं क्योंकि ये जो बाइक है ना पहले से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है और साथ ही साथ इसके डार्क स्टील ब्लैक और गन मेटल ग्रे कलर में अब आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है का मिल है का ऑप्शन देखने को मिल जाती जो की काफी अच्छी बात है तो दोस्तों ये थी इस बाइक कुछ एडवांटेज जो की मैंने आपको बता दिया है तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक कैसे लगी ये एडवांटेज नीचे कमेंट करके जरूर और साथ ही साथ आप लोग बताना की क्लासिक थ्री में आपको क्या अच्छी चीजें मिलती है क्या अच्छी चीजें लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल

जय भारत